चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेल्सी बुटोलिया। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय स्तर पर एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज देने वाली कंपनी एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर पर एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज देने वाली कंपनी है। कंपनी ने कारोबार को डाइवर्सिफाई करके आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी की कारोबारी गतिविधियों पर। कंपनी थर्ड पार्टी को रसद समाधान प्रदान करती है। कंपनी परिवहन, वितरण, माल भाड़ा अग्रेषण, समाज शोधन और अग्रेषण सेवाओं, कस्टम हाउस क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं सहित अनुकूलित और एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान और सेवाएं प्रदान करती है। पूरे भारत में अपने विशाल और सुव्यवस्थित नेटवर्क की मदद से कंपनी अपने ग्राहकों को समान रूप से परेशानी मुक्त ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के तिमाही और नौमाही वित्तीय प्रदर्शन पर। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 187.5 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 4.4 करोड़ रुपए का ईबीटा हासिल किया है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2024 की नौमाही में कंपनी ने 537 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 9.6 करोड़ रुपए का ईबीटा हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग के कारण लॉजिस्टिक वर्टिकल में कमजोरी दर्ज की गई है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी की परिचालन गतिविधियों पर। वर्तमान में कंपनी के 371 से ज्यादा ट्रक ऑपरेशनल है और कंपनी 1.80 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के वेयर हाउस का प्रबंधन करती है। कंपनी के सारे देश में 14 ब्रांच ऑफिस है। कंपनी ने पूरी दुनिया की 64 एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट किया है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2024 की नुमाही में कंपनी को 41% राजस्व मार्बल ग्रेनाइट सेगमेंट से, 25% सिरेमिक टाइल्स से प्राप्त हुआ है। आइए अब रुक करते हैं कंपनी के कारोबारी विस्तार पर। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप शुरू किए। कच्छ क्षेत्र में सभी नायरा एनर्जी आउटलेट्स के बीच कंपनी द्वारा सबसे बड़ी ईंधन भंडारण क्षमता के साथ सभी ईंधन और लुब्रिकेंट आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मुहैया कराया जा रहा है। कंपनी के कुल राजस्व में 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2024 की नुमाही में पेट्रोलियम सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के लक्ष्य की ओर। कंपनी को एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन पावर हाउस में बदल दिया गया है, जहां ग्राहकों की कुल संतुष्टि पर ध्यान देने के साथ अद्वितीय गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जाती है। कंपनी का लक्ष्य देश भर में मार्केट लीडर्स में से एक बनना है। कंपनी का अन्य क्षेत्रों की एप्लीकेशन से शिपिंग सेगमेंट की परिचालन लागत को कम करने का लक्ष्य है। इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कंपनी ASL के प्रबंध निदेशक विनय त्रिपाठी ने कहा, हम बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा इस मान्यता के लिए आभारी है, जो हमारे हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि हमें परिवहन और लॉजिस्टिक उद्योग में उत्कृष्टता और विकास के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। तो यह थी राष्ट्रीय स्तर पर एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज देने वाली कंपनी एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।